हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा कोरल ड्रा ओपन है और मोदी जी विक्ट्री साइन दिखाते नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसा ही बैनर आपको बनाना है तो वीडियो लास्ट तक देखें। और हाँ, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं, इसको हम बनाया था पहले, तो अभी हम इसको न्यू फाइल लेंगे। यहाँ पर जाएंगे और न्यू का ऑप्शन है, न्यू फाइल हम यहाँ से ले लेंगे। जैसा ही न्यू फाइल करेंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस ओपन आएगा। अगर आप कोरल ड्रा के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत तो अभी आप इसको कर पाएंगे, और अगर नहीं जानते तो वीडियो लास्ट तक देखिए, आप पूरा बैनर क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ रेक्टेंगुलर एक लेते हैं एंड इसका हम साइज़ देंगे 3x4। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे बैनर साइज़ स्टैंडर्ड तो 3x4 का रहता है वो, तो मैं यहाँ इंटर कर दे रहा हूँ। और ये इसका ये साइज़ हो गया, पर इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ से। इसको हम 200 और यहाँ से चलिए हम इसको 300 दे देते हैं, 300%। तो आपको कुछ इस तरीके का अपना बैनर नज़र आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कलर फिल कर लेना है। तो मैं बीजेपी का कुछ बनाऊंगा क्योंकि मोदी जी जीते हैं, तो उस पर मैं एक बैनर बना रहा हूँ। तो मैं इसका बैकग्राउंड पहले मैं ये ले लूँगा एंड उसके बाद एक हम और क्रिएट करेंगे रेक्टेंगल, और इसका स्पेस थोड़ा छोड़ देंगे चारों तरफ 1 सेंटीमीटर कुछ, आप देख रहे हैं इतना। और इसका मैं कलर हरा कर दूंगा, इसका कलर हरा करूंगा। उसके बाद आप यहाँ जाएंगे जो ये टूल्स है, टूल्स के नीचे हमारा सबसे नीचे टूल्स होता है इंटरेक्टिव फिल टूल्स, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाके ऐसे लाइन हम कर देंगे। अब आप देख रहे हैं जहाँ वाइट है इसको भी हम ग्रीन कर देंगे। ग्रीन करने के बाद और दूसरा वाला हमारा ग्रीन है, इसको हम भगवा कलर ये हम कर देंगे, भगवा कलर यानी कि हाँ ये कर देंगे। और उसके बाद इसको लो यहाँ पे हम कर देंगे हल्का सा, तो ये आप देख सकते हैं कि हो गया है। ये मेरा बीजेपी कलर है क्योंकि मैं मोदी जी की विक्ट्री जो हुई है उस पर हम एक बैनर बना रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम फोटो लेंगे। तो यहाँ पे फिल पे जाएंगे एंड यहाँ पे इम्पोर्ट का ऑप्शन है, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इम्पोर्ट का जो फ़ोटो रहेगी वो ओपन होती है। यहाँ से मैं मोदी जी की फ़ोटो मैं पहले से बना के रखा हूँ वो मैं ले लूँगा। अब मैं PSD फाइल बना के रखा था, अगर आपको PSD नहीं बनाना आता तो कमेंट करिएगा, मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि आप फ़ोटो की PSD फाइल कैसे बनाते हैं। और यहाँ पर ला के हम इसको ड्रैग कर देंगे, इस फ़ोटो को एडजस्ट कर देंगे इसको, आप देख रहे हैं कि हमारी फ़ोटो एडजस्ट हो गई है। अब क्या करेंगे, अब इसका जो हमारा BJP का साइन है यानी कि कमल का निशान है उसको भी हम एक फ़ोटो ले लेते हैं। यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे एंड एक फ़ोटो है हमारी यहाँ पे डेस्कटॉप पे, मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, इसका PSD में बनाया हूँ। ये देखिए हम इसको रिसाइज कर दे रहे हैं कमल के फूल को एंड यहाँ पर जहाँ पे चाहें आप रखते हैं, मैं ऊपर रख दे रहा हूँ सबसे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के लिए आप यहाँ पे देखिए ए लिखा होता है, जो टेक्स्ट टूल्स होता है उसका जो फर्स्ट लेटर है ए है वो लिखा रहता है, उस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कुछ भी लिख सकते हैं, पर मैं विक्ट्री हुई है मोदी जी की तो मैं इस पर बना रहा हूँ, तो मैं यही लिखता हूँ। और यहाँ पर ला के इसको हम ड्रैग कर देंगे और इसी पे हम एडजस्ट कर देंगे। और इसका कलर देने के लिए अब इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को, और यहाँ से हम ब्लू कलर में दे दे रहा हूँ। और आपको यहाँ पे जाएंगे तो ये आउटलाइन टूल्स है, आउटलाइन टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इसका विड्थ देना है 20, चलिए मैं इसको 30 mm दे देता हूँ, थोड़ा बोल्ड हो जाएगा 30 mm। और यहाँ से इसको बोल्ड एंड कलर मैं इसका वाइट दे रहा हूँ और ये ओके ओके देने के बाद अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके कलर है। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर मैं इसको और बोल्ड देना चाहूँ तो यहाँ पे एरियल है, एरियल की जगह पे मैं इसको एरियल ब्लैक दे दूँगा, तो ये देखिए काफ़ी इसके जो विड्थ है लेटर की वो बड़ी हो जाएगी। अब आप यहाँ पे साइज़ है, अगर आप उसका साइज़ देना चाहें ज़्यादा तो आप दे सकते हैं फॉन्ट साइज़,
पर इतना काफ़ी है। और इसको अगर हमें नीचे ड्रैग करना है तो यहाँ पे ला के हम छोड़ देंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर आप फिर के अगर कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर यहाँ से आप चाहें वो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं येलो ही ले रहा हूँ, तो आप यहाँ पे चलिए यहाँ पे लग देता हूँ मैं। अब आप देख सकते हैं कितने आसानी से आप बैनर बना लेंगे, ये मुश्किल से 2 मिनट या 3 मिनट लगेगा, आप बड़े आसानी से बैनर बना लेंगे। अगर मेरा फॉलो करिए स्टेप बाय स्टेप, आप बड़े आसानी से बैनर बना लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।